सो मोस्ट ऑफ दी पीपल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि सर गेट का एग्जामिनेशन तो हमने दे दिया है हमारी अच्छी रैंक भी आ गई या हमारे अच्छे गेट स्कोर भी आ गए और जो भी गेट स्कोर आया है इसके ऊपर में मैं अच्छे कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन लू किस तरीके से मैं अच्छे कॉलेजेस में पहुंचू कौन सी मेरे लिए आई अच्छी होगी कौन सी एन अच्छी होगी इवन यहाँ तक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कि सर ये आई में मैं में टू ईयर्स का कोर्सेज लू एम टेक एम या एम करूं हमें इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है आ, कौन सी आई में जाने के बाद वहां पर एम की डिग्री अच्छी रहेगी या फिर वहां पर एम ई e. करना बेटर रहेगा तो मैं इन सब चीजों पर थोड़े थोड़े डिस्कशन करता रहूंगा सब चीज के बारे में एकदम बारीकी से इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि कहाँ पर जाना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होप होगा कि सर पी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कि पीएस क्या है और पी कब आएगा इस बार पी आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे अभी तक एक ही पीएसयू का नोटिफिकेशन आया है और वो पीएसयू भी आ, जो एग्जाम्स ले रही है वो सेपरेट एग्जाम्स ले रही है गेट के थ्रू वो ले नहीं रही है तो क्या आगे आने वाले सारे पीएसयू ऐसे ही होंगे सो सेपरेटली हम इन सब चीजों पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा क्या सर आईआईटी का फॉर्म मुझे सेपरेट फिल करना होगा सीओएपी ये क्या प्रोसेस होता है एडमिशन प्रोसेस क्या है ये आपसे डिस्कस करना तो स्टार्ट कर रहा हूँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई दी कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल सीओ एपी सो मोस्ट ऑफ दीपुल ये अभी होंगे की सर क्या ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है नहीं अभी तक सीओ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है However, इनके वेबसाइट जो है, वो एक्टिव सीओ एपी अगर आप सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसके ऊपर से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जो उनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर लेना उसको एक बार अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना की क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दिए हुए हैं सीओ एपी की जो पोर्टल होगी वो दो से तीन दिनों के अंदर में एक्टिव हो जाएगी एंड उस एक्टिव होने के बाद आप वहां पर एपी का फॉर्म फिलअप कर पाओगे ध्यान में रखना मेरी बात को कि कि का का फॉर्म करने मतलब ये नहीं होगा आपका एडमिशन हो रहा है सीओ एक जस्ट एक अप्लीकेशन पोर्टल है जहां पे काउंसलिंग प्रोसेस होती है ईच एंड एवरी आई जो सीओ के थ्रू एडमिशन लेती है मुझे उनका सेपरेटली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा हमें ऐसा माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है सी ओ ए पी फॉर्म फिलप कर लिया मेरा सब कुछ हो गया नहीं सी ए पी के फॉर्म और आई आई टीज के फॉर्म मुझे सेपरेटली फिलअप करने होंगे जिन आई आई टीज का मैं फॉर्म फिलअप करूंगा उनका नाम मुझे सी ए पी में दिखेगा और उस प्रोग्राम में हम अपना प्रेफरेंसेस देंगे कि सर आई आई टी मद्रास में मैं ये ब्रांच सेलेक्ट कर रहा हूँ ये स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस स्पेशलाइजेशन को मैं अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ आईटी बॉम्बे में मैं इस ब्रांच में ये स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे मैं सेकेंड प्रेफरेंस दे रहा हूँ तो ये जब काउंसलिंग प्रोसेस होगी इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको एक ऑफर दिया जाएगा कि आप एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं तो उस एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें निकल कर आएगी वो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा पियूष मैंने पहले ही बोला सर ने ऐसा कि बीच में आप कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर इस पीडीएफ में छिपा हुआ है जो भी मैं यहाँ पर सेमिनार देने वाला हूँ उसमें सारे आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे सो पैसेंस रखो जस्ट सुनते रहो कि क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सुनाओ किसी क्या है और किस तरीके से हम लोग इस पे वर्क करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि सर जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होंगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का लिस्ट मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी आई इसमें पार्टिसिपेट ले रही है उन सब में एमई एमटेक एमएस के प्रोग्राम के लिए जो मुझे एडमिशन का प्रोसेस होगा वो सीओएपी के थ्रू होगा कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल के थ्रू होगा अभी तक सीओएपी के थ्रू कोई भी पीएससीज अपना अनाउंसमेंट नहीं किया है लेकिन आगे आने वाले टाइम पे इस सीओएपी में कुछ पीएससी का लिस्ट आपको दिख सकता है अनदर वन केसर इसमें रजिस्टर्ड के लिए क्या प्रोसेस रहेगा जो ऑफर के लिए फिर एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा तो मुझे से बताएं, अगर मुझे से है, उसमें अप्लाई करना है तो मैं, और वो अप्लाई किया हुआ फॉर्म में एक आईडी जनरेट होगी वो आईडी के थ्रू हमारे सीओ एपी में वो फॉर्म ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो सी ए सीओ एपी का फॉर्म मुझे सेपरेट फिलअप करना है आई का फॉर्म मुझे सेपरेट फिलअप करना है अगर मैं किसी पीएसयूज के लिए अप्लाई करता हूँ जो सी के थ्रू है और मैंने उस पी एस का फॉर्म फिलअप किया होगा तो वो भी सी के प्रेफरेंस ऑर्डर में दिखेगा अनदर वन कौन इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं तो पहली चीज मैं ये बता दूं कि जैसे कि इस बार के स्टूडेंट्स जो हैं गेट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया था गेट 21 के एग्जाम के लिए तो किसी भी मास्टर डिग्री के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि उसका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है अगर आपकी अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है इट मीन आप सीओ एपी में पार्टिसिपेंट बनकर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सो so, जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट अच्छे रैंक लेकर आए हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं लेंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे रैंक आए हैं या गेट स्कोर आया है वो इसमें पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे अगेन टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन इन तीन ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें डेफिनेटली अप्लाई करेंगे मान लीजिए कि मेरा नाइनटीन का गेट स्कोर सर ज्यादा अच्छा है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन के कंपेरिजन में मैं नाइनटीन का गेट स्कोर भी वहां पर इंटर करूंगा ट्वेंटी का गेट स्कोर भी इंटर करूंगा ट्वेंटी वन का भी इंटर करूंगा जो गेट स्कोर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होगा ओके okay. सर रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ दो तीन दिन के अंदर में सीओ एपी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर पाओगे अनदर वन सर रजिस्टर कैसे करना है तो ये आई डी आप नोट डाउन कर लीजिए सीओ एपी डॉट आई आई टी डी डॉट ए सी डॉट इन इसी वेबसाइट पे आपको सीओ एपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखेगा दो तीन दिन में यहां पर एक्टिव हो जाएंगे अगर आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप आप इस पीडीएफ जो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके ऊपर क्लिक लिखा हुआ है आप उसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको पूरा सीओ एपी का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ओपन हो जाएगा क्या क्या सर रजिस्ट्रेशन करते समय हमें इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे फर्स्ट वन आपको अपना नाम जो भी ध्यान में रखना है इस चीज को हम वो नेम एंटर करेंगे जो हमारे

वही जो आपका हो, थोड़ी year, ऐसे मेरे पास आते हैं जो कुछ ना कुछ गलतियां किए हुए होते हैं उनको फर्दर मैं प्रोसेस बताता हूँ लेकिन अननेसेसरी हमें गलतियां करने की कोई जरूरत नहीं अगेन मोबाइल नंबर एक क्रिटिकल रोल रखेगा आप वही मोबाइल नंबर देंगे जो आपके लिए एक्टिव है एंड थोड़े नेम के लिए मैंने बोला कि ट्वेल्थ के मार्कशीट में जो नेम है हम उसके अकॉर्डिंग ही नेम एंटर करेंगे मोबाइल नंबर जो एक्टिव होगा आप उसका यूज करेंगे फर्स्ट uh, टाइम जब भी आप लॉग इन करेंगे तो ध्यान में दीजिएगा वहां पर सबमिट का बटन होगा इतना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये सब इंटर करने के बाद सबमिट का बटन होगा सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद वो सेशन आउट होगा सेशन आउट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और आपके एप्लीकेशन का जो डिटेल रहेगा वो ई मेल पे वो आएंगे और उन लॉग इन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप सिर्फ इसके ऊपर लॉगिन कर पाओगे और लॉगिन करने के बाद आपको प्रेफरेंसेस वहां पे बताने हैं कि कौन सा प्रेफरेंसेस क्या है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है किस तरीके से करना है उसका फ्लो चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ सो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे प्रोसीजर को रीड आउट करेंगे एंड हम लोग जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उन इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो उन सब चीजों को हम लोग रीड आउट करेंगे कि जो भी है जो भी रिक्वायरमेंट वहां पर चाहिए होगा वो है गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर पेपर कोड भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होंगे गेट के स्कोर भी चाहिए होंगे आपके नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर द रजिस्ट्रेशन गेट रजिस्ट्रेशन अब इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है जैसे की गेट uh, का जब हमने फॉर्म फिलअप करते थे तो गेट के फॉर्म फिलअप करते टाइम पे वहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि आपको वो नेम एंटर करना है जो ट्वेल्थ की मार्कशीट में होता है जब हम गेट का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन होता है कि जो भी नेम करने वो ट्वेल्थ के मार्कशीट के अकॉर्डिंग करने तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही 12 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही गेट uh, में नाम एंटर करते हैं और वही नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा अनदर वन डेट ऑफ बर्थ ईमेल आई एंड मोबाइल नंबर ये सारे इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद मुझे सबमिट का बटन दबाना है सबमिट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें अपने लॉगिन के अबाउट इंफॉर्मेशन रिसीव होगा वो एस एम एस के थ्रू समा एस एम एस सर्विस थोड़ी स्लो होती है तो आप अपने ई मेल आई डी पे चेक कर लोगे की क्या इन्फॉर्मेशन आया है और उस ई मेल आई डी या एस एम एस में आपको वेबसाइट का यू आर एल होगा लॉग इन डिटेल्स होंगे लॉग इन डिटेल्स इसमें कौन सी यूजर आई डी होगी क्या पासवर्ड होगा वो सब मैंशन होगा और उसके थ्रू आप लॉग इन कर पाओगे सर लॉग इन करने के बाद हमें वहां पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा वेरीफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आपको एक बार फिर से वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि वेरीफाई कर लीजिए अगर सपोज किसी ने गेट स्कोर्स वहां पर लास्ट थ्री इयर्स का नहीं डाला है सिर्फ एक ईयर का ही एंटर किया है यहाँ पे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि लास्ट थ्री इयर्स का गेट का स्कोर इंटर कर लीजिए अगर आपके पास है तो सपोज कोई स्टूडेंट 2018, 19, 20, 21 इन सब में अपियर हुआ

प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे कि हम किसको प्रिफरेंस दे रहे तो हमने जो प्रिफरेंस रख रखी है उस प्रस के अकॉर्डिंग अब हमारा अगर दो सब्जेक्ट में गेट क्लियर किया हो तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे हाँ करने पड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर कोड इंटर करना है अगर आपने जैसे कि इनका क्वेश्चन जो आया है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि सर क्या मैं दो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अगर गेट का फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दिया था तो क्या मुझे दो अलग अलग सीओ के फॉर्म फिलअप करने होंगे हाँ डेफिनेटली करने पड़ेंगे इसका रीजन यही है क्योंकि वो पेपर कोड मांग रहे हैं और पेपर कोड उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप तीन या चार पेपर कोड एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाओगे तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है ओके okay. अब आपने जो प्रिफरेंसिस रखी थी उन प्रिफरेंसिस के अकॉर्डिंग आपका बहुत सारे ऑफर्स मिल गए हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपने ऐसे कॉलेजेस के लिस्ट रखा जिसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं रखा तो फर्दर आप सेकेंड राउंड में चले जाओगे लेकिन अगर कोई चॉइस आपको मिलती है तो उन चॉइस को मिलने के बाद आपके पास ऑफर्स आएंगे कि इनमें से आपको कौन सा ऑफर चूज करना है तो जो भी आपको प्रिफर्ड लगे उन ऑफर को आप चूज करोगे सपोज मैंने चूज किया तो इसमें आपके पास ऑप्शन होंगे एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने का अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो सबमिट का बटन दबा दीजिए एंड वेबसाइट का जो भी है इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज या पीएसयू आप वहां पे चले जाइए और वहां पर जाकर आप एडमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर लीजिए ओके अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं किया है तो आपको रिटर्न एंड वेट करना है रिटर्न एंड वेट करने के बाद सबमिट कर लीजिए तो सबमिट जैसे करोगे रिटेन एंड वेट का तो आपको सीओएपी का नेक्स्ट राउंड का ऑफर आएगा नेक्स्ट राउंड मतलब जब भी सेकंड राउंड होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है ओके okay. अगर आपने जस्ट टेक अ मिनट होल्ड ऑन सपोज आपको कोई भी ऑफर चूज नहीं किया इनमें से कोई भी ऑफर चूज नहीं किया है तो प्रोसेस ये होगा कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो और वेट कर सकते हो सपोज मुझे ऐसा चॉइस मिल गया जो मुझे पसंद ही नहीं था मैंने फॉर्म फिलप करते टाइम पे तो भर दिया था लेकिन अभी मुझे पसंद नहीं है तो आप उस उसे रिजेक्ट कर लीजिए और वेट कीजिए जैसे ही रिजेक्ट करोगे तो आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेंट्स में लेने का चांस मिलेगा सेकेंड राउंड के लिए आप चले जाओगे अगर कैंडिडेट uh, एक्सेस ही नहीं करता है मैंने सी का फॉर्म फिलअप किया आई का फॉर्म फिलअप किया फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया और मैं उसको uh, मतलब uh, जो सी की वेबसाइट है मैं उसको ओपन ही नहीं कर रहा अगर आप ओपन नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एंड वेट पे चला जाएगा रिजेक्ट एंड वेट के ऊपर जाने के बाद क्या होता है हम लोग नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग प्रोसेस पे चले जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग प्रोसेस पे आपको फिर से ऑफर दिखेगा अब यहाँ पर तीन पॉइंट में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये क्या क्या है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होता है कि यू एक्सेप्टेड ऑफर विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अपग्रेडिंग योर हायर चॉइस आपने जितना भी वहां पर हायर चॉइस दिया हुआ था सपोज मैंने फर्स्ट प्रेफरेंसेस रखा आईआईटी बॉम्बे को सेकंड बेंगलोर को थर्ड आईआईटी मद्रास को फोर्थ आईआईटी कानपुर को फिफ्थ आईआईटी आई खड़गपुर को मेरा फिफ्थ वाला चॉइस लगा और मैंने उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया तो अब आपको किसी भी केस में आई बॉम्बे या आई बेंगलोर नहीं मिलने वाला है आपको एडमिशन उसी में लेना पड़ेगा ओके रिटेन एंड वेट का मतलब क्या होता है सबसे अच्छी च्वाइस मैं इसे मानता हूं एक तरीके से इसका मतलब हुआ कि आपने पार्शियली एक्सेप्ट किया है वन ऑफ ऑफर को एंड जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगी आपका चॉइस होता चला जाएगा सपोज आज के डेट में मैंने आईआईटी खड़कपुर में एडमिशन लिया सेकेंड राउंड में जाकर खड़कपुर की जगह पर मुझे आई मद्रास मिल रही है और मेरी इच्छा आई मद्रास में लेने की तो मैं वहां का ऑटोमेटिकली एडमिशन प्रोसेस कैंसिल करवाकर मैं आई आई का एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा तो इस तरीके की चीजें निकल अब ये ये थोड़ा सा awkward situation होता है students के लिए जो थोड़े से आ, ये sense में रहते हैं कि मुझे मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो wait वाला वाला मुझे 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 जो reject and wait वाला बटन तभी मुझे क्लिक करना है जब मुझे, मैं secure हूं कि मुझे कोई ना कोई आई तो मिलेगी ही और ये मैं रिजेक्ट करना ही चाहता हूँ मैंने फॉर्म फिलअप मेरा तो एक ही सेंस बनता है मैं वैसे चूज ही ना करूं जिसके लिए मुझे रिजेक्ट करना पड़े

और इसमें इस चांसेस रहेंगे आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज भी कर सकते हो रिटर्न एंड वेट भी कर सकते हो रिजेक्ट एंड वेट भी कर सकते हो उसी तरीके से ये सारे डेट है आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो अपने मोबाइल पे इन सारे राउंड का तो राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर राउंड फाइव कब होंगे इन सभी में आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है राउंड वन एंड राउंड टू में आप रिटेन एंड वेट कर सकते हो राउंड थ्री एंड राउंड फोर में यस एंड नो लगाकर स्टार किया हुआ है लगाने का मतलब ये होगा कि अगर आपने किसी भी ऑफर को सेम ऑफर को सपोज आई मद्रास में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का च्वाइस रखा था और वो मैंने दो बार आ, दो बार अगर मैं करना चाहूँ तो दो बार तो रिटेन एंड वेट कर सकता हूँ लेकिन मैं तीसरी बार नहीं कर सकता हूं. अगर मैंने सेम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल ना लेकर जियो टेकमिट किया तो वो काउंट होगा कि वो आप कर सकते हो लेकिन सेम चॉइस को थर्ड टाइम में नहीं कर सकते हो राउंड जब आप राउंड में पहुंचोगे तो आईटी का फॉर्म ये सीओपी में रजिस्टर करने के बाद ही फिलअप कर सकते नहीं आपको आई का फॉर्म अभी फिलप कर दीजिए सीओ जब स्टार्ट होगा तो वो हम देख लेंगे आ, दोनों का फॉर्म का टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है इसलिए आप पहले कर लीजिए बेटर रहेगा आई के फॉर्म पहले फिलअप कर लीजिए तो ये राउंड फोर एंड राउंड फाइव राउंड थ्री एंड फोर में पार्शियली नो no है एंड राउंड फाइव में बिल्कुल ही नो no है आप यहाँ पर कभी रिटर्न एंड वेट कर ही नहीं सकते यहाँ पर आपको डायरेक्टली आइदर रिजेक्ट करना है आइदर आपको एडमिशन प्रोसेस ले लेनी है नेक्स्ट वन की सर इसके अलावा भी कोई काउंसलिंग प्रोसेस होता है क्या यस yes. जितने भी सीट बचे हुए रहेंगे चाहे वो एससी कोटा के हों या फिर एसटी कोटा के हों या ओबीसी का हो या फिर पीएच कोटा के हों फिजिकली हैंडीकैप्ड ओके okay, ये सब जितने भी सीटें बची हुई रहेगी इन लास्ट सारे सीट को मर्ज कर दिया जाएगा जो भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो गए उन सारे सीट को मर्ज करके यहाँ पर फोर राउंड और भी होंगे राउंड ए राउंड बी राउंड सी एंड राउंड डी इन सब का भी डेट यहाँ पर मेंशन है यहाँ पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो रिटेन एंड वेट का कोई भी चांसेस नहीं है आप रिजेक्ट कर सकते हो ये हो सकता है आपको जो एडमिशन मिल रहा है आप उसे रिजेक्ट कर लीजिए नॉट एन अगेन मैं इसमें यह चीज बोलूंगा कि इसके बावजूद भी अगर कोई स्टूडेंट यह चीज सोचता है कि सर राउंड डी के बाद भी कुछ है क्या मैं फिर से बोलूंगा यस डेट इज कॉल्ड एज राउंड एडमिशन प्रोसेस तो राउंड एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको हर एक आई की वेबसाइट इंडिविजुअली आपको चेक करते रहना पड़ेगा इट मीनस सर 9 जुलाई तक अगर मुझे एडमिशन नहीं मिलता है किसी भी आई में तो मैं उनकी वेबसाइट पे चेक करते रहूंगा कि क्या वो स्पॉट राउंड एडमिशन ले रहे हैं क्या वहां पर कुछ सीटें वैकेंट है अगर वो वैकेंट है तो वो एडमिशन प्रोसेस होगा और उसके लिए आपको अपने साथ उसकी फीस लेकर जानी है ठीक है वहां पर ऑस्पॉट राउंड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपको सीट मिली आपने बोला यस आप फीस जमा कीजिए एडमिशन होगा आपका आपने बोला नो तो आपके पीछे जो कैंडिडेट होगा उसको बोला जाएगा उसको बोला जाएगा कि सर आपको एडमिशन लेना है उन्होंने बोला यस तो आप रिजेक्ट हो गए और वो एडमिशन लेंगे आपको टेन मिनट

जम्मू इस बार इंक्लूड हुआ है ध्यान में रखिएगा और जम्मू को कोई मतलब ऐसी वैसी आईआईटी में काउंट नहीं करना मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत अच्छे फंड यूटिलाइज की है सो आप इसका प्रेफरेंस पलक्कड़ से तो ऊपर जरूर रख सकते हो और कोई डरने वाली चीज नहीं है कि सर जम्मू कौन जाएगा तो ये सब चीजें मत लेकर आना आई जोधपुर आई कानपुर आई आई मद्रास मंडी पलक्कड़ पटना रूरकी रोपर एंड तिरुपति सर इनमें से सबसे लो लेवल के आई कौन कौन से हैं सबसे लो लेवल के आई की मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है तिरुपति पलक्कड़ ये दोनों जो रहेंगे वो सबसे लास्ट में मैं प्रेफरेंस दूंगा बाकी जितने भी आई हैं उनको मैं आगे प्रेफरेंस दूंगा ऑब्वियसली इसमें से कुछ आई का लिस्ट आपको नहीं दिख रहा होगा कोई बता सकता है कौन कौन से आई का लिस्ट नहीं दिख रहा है आई गांधीनगर वेरी गुड और कोई आई आई टी धरवाड़ वेरी गुड आई एस सी बेंगलोर तो है ना आई आई टी बेंगलुरु नहीं होता आई एस सी बेंगलोर होता है आई टी बॉम्बे लिस्ट में है आई टी हैदराबाद भी लिस्ट में है देख लो पहले ऑब्जर्व तो कर लो यार कि कौन कौन सी है ऐसे ही ब्लैंड नहीं थोड़ी आंसर देने का तो गांधीनगर ओके okay. तो ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर लूंगा उससे आप मिला लेना कोई टेंशन वाली बात नहीं ओके okay. अब मैं यहां से बहुत ही क्रूसियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सो ईच एंड एवरी वर्ड पे बहुत ही ध्यान देना इसी के ऊपर आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में अच्छे इंस्टीट्यूट को कैसे ले पाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है सो सबसे पहले इन जनरल स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर कौन सी आई को पहले रखूं और क्यों रखूं? जितने भी के नाम यहां पर नहीं दिए गए हैं जितने भी आई के नाम यहाँ पर नहीं मेंशन है ठीक है इस लिस्ट में जितने भी आई के नाम नहीं मेंशन है आप उनकी वेबसाइट को पर्सनली विजिट करोगे और उस विजिट करने के बाद वहां पर एडमिशन का एक टैब होगा उस एडमिशन टैब में जाकर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन वाले प्रोसेस में जाओगे वहां पर उनका प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है कि कब फॉर्म स्टार्ट होगा किस बेसिस पे एडमिशन लेंगे वो अपना एग्जाम लेंगे या गेट स्कोर पे लेंगे जैसे आई आई गांधीनगर जो है वो गेट स्कोर पे भी एडमिशन लेता है और आई आई गांधीनगर अपना इंटरव्यू प्रोसेस करवाता है तो इंटरव्यू प्रोसेस तो होंगे ही होंगे सर और उसमें हमें गेट स्कोर के ऊपर ही एडमिशन मिलने वाला है लेकिन सीओ एपी के थ्रू नहीं होगा तो प्रिफरेंस को चॉइस करने के लिए मैंने फोर पैरामीटर डिसाइड किया है फर्स्ट वन इज एन आई आर एफ रैंकिंग सेकेंड वन इज वहां पर प्लेसमेंट कितना है कितने लोगों का प्लेसमेंट होता है सौ में से अगर सिक्सटी परसेंट भी प्लेसमेंट हो तो मैं मानकर चलूंगा कि वो आई आई टी अच्छी है मीडियम सैलरी सर वहां पर कितनी है मीडियम सैलरी कितनी ऑफर होती है मीडियम सैलरी मतलब सपोज है तो अगर किसी स्टूडेंट्स का सैलरी ऑफर हुआ है तो मैं फाइव को बोलूंगा मीडियम सैलरी है तो मीडियम सैलरी का एक सिनारियो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि मीडियम सैलरी क्या होता है रिसर्च अपॉर्चुनिटी वहां पर कितनी है जितनी अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटी जिस कॉलेज में होगी उस कॉलेज में उतने अच्छे आर एनडी आर एनडीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जाएंगे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर्ड करती हैं तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करेगा ओके सो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट रख रखा है और एक एक करके मैं सबके ऊपर बात कर लेता हूँ सबसे पहले देखो कि यहाँ पर एन रैंकिंग की लिस्ट है तो सर एन रैंकिंग आई एस बेंगलोर की फर्स्ट है और आप देखोगे कि आईआईटी मद्रास की भी फर्स्ट है फिर भी आपने आईआईटी मद्रास को सिक्स एंड सेवन प्रेफरेंस दिया है मैंने आपको ऑब्वियसली बताया कि मैं बहुत सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे कौन सी प्रेफरेंसेस कब रखनी है कहाँ रखनी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे लास्ट ईयर मैंने आई बेंगलोर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था इस ईयर मैं आई बॉम्बे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ आई बॉम्बे की एन रैंकिंग थ्री है इसका परसेंटेज प्लेसमेंट 93 है जो यहां पर मीडियन सैलरी ऑफर हुई है 20 लाख 76000 डेट इज द मीडियन सैलरी ऑफर इन दिस इंस्टीट्यूट इसका प्रेफरेंस मैंने वन रखा है आईएससी बेंगलोर मैं उन लोगों को चॉइस रखने के लिए बोलूंगा जिनको थोड़ी सी रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट होता है जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे सर मुझे तो रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट है तो जिनको वैसे फीलिंग आती थी मुझे रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट है वो जरूर जाइए आई एस सी बैंगलोर आपकी पूरी ख्वाहिश वहाँ पर अच्छी बन जाएगी इसकी रैंकिंग सर वन है एट्टी सेवन परसेंट यहाँ पे प्लेसमेंट है एट्टीन लाख के अबाउट मीडियम सैलरी ऑफर हुई है और मैंने इसको सेकेंड प्रेफरेंस रखा है आई आई खड़गपुर में थ्री इयर्स का प्रोग्राम होता है देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है जिनमें भी टू प्रोग्राम है उसको मैंने फर्दर डिवाइड कर लिया है। अगर आई आई टी खड़गपुर मुझे जाना है तो आई आई खड़गपुर में मैं एमएस के लिए प्रीफर्ड करूंगा जो लोग बोलते हैं सर एम करना चाहिए या एम करना चाहिए उनको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आई आई जाना है तो मैं वहां पर एम कोर्स ज्वाइन करूंगा उस एम कोर्स के लिए वहां पर 77% प्लेसमेंट है एंड 13 लाख like के अबाउट सॉरी 78% प्लेसमेंट है एंड 15 लाख like के अबाउट उसकी मीडियन सैलरी ऑफर होती है इसलिए मैंने इसको थर्ड प्रेफरेंस रखा है उसके बाद मैं आईआईटी हैदराबाद के थ्री ईयर के प्रोग्राम को मैं यहां पर प्रेफरेंस रख रहा हूं फोर्थ प्रेफरेंस उसको दे रहा हूं क्योंकि 77% प्लेसमेंट है एंड 136000 मीडियन सैलरी ऑफर हुई है

83% प्लेसमेंट है और इसकी मीडियन सैलरी ऑफर जो है वो 11 लाख like है कंपेरेटिवली जितने भी ऊपर लिखे गए उनसे कम है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रख रखा है इसके टू इयर्स एंड थ्री इयर्स दोनों प्रोग्राम को मैंने एक साथ रखा है देखो एक में 83 प्लेसमेंट है एंड एक में 62% प्लेसमेंट है सर 62% प्लेसमेंट इस 77% वाले प्लेसमेंट से ज्यादा है ठीक है यहां पर इतने एट जीरो नाइन का मतलब प्लेसमेंट मिल रहा है तो ऐसे कम्परेटिवली आप देख लो और आपको ये लिस्ट पूरा का पूरा दिख रहा है कि कौन सा हम कैसे रख रहे हैं देखो यहाँ पर एक, एक दो चीजें मेरे हाईलाइट करने लायक जो है वो मैं बता दू आई आई टी आई एस एम धनबाद यहाँ पर अगर मुझे थ्री ईयर वाले कोर्सेज में एडमिशन मिलता है तो मैं वहां पर एडमिशन लूंगा सैलरी काफी हाई है और अगर मैं वहां पर जाकर मेहनत करता हूँ मेहनत करता हूँ तो डेफिनेटली वहां पर मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा प्लेसमेंट है है लेकिन पैकेज के साथ है में Two years वाले में वाले थोड़ा सा प्लेसमेंट पे आपको वर्क करना पड़ेगा जैसे कि आई आई टी धनबाद के टूर्यर्स का प्लेसमेंट देखो तो यहाँ पर फोर्टी एट परसेंट प्लेसमेंट है लेकिन सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मीडियम सैलरी ऑफर होती है इसलिए मैंने इसको बिलो एवरेज में काउंट करके रखा और कुछ आई जो मैं अभी तक लिस्ट में अपने इंक्लूड तो किया हूं लेकिन मैंने उसकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं बताई है जैसे जम्मू भिलाई गोवा पलक्कड़ तिरुपति मैंने नॉट अप्लाइड लिख रखा है प्लेसमेंट हुए हैं दिस टाइम कुछ आई में एंड कुछ आई न्यू है तो उसके प्लेसमेंट मैं अपडेट कर लूंगा कि क्या है हाउ एवर न्यू आई आई वेरी न्यू आई होने के कारण मैंने इन सारे के प्रेफरेंसेज बहुत ही नीचे रख रखे हैं ओके वट आर द अदर दैन सीओ एपी तो सीओ एपी के अदर देन कोई कॉलेज है जो जिसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए कोई बताएगा मुझे इन uh, के अलावा ओके okay, कुछ लोग एनआईटी बोल रहे हैं कुछ लोग डी टी यू बोल रहे हैं कुछ लोग ट्रिपल आई टी हैदराबाद बोल रहे हैं कुछ लोग नीटी बोल रहे हैं सीसीएमटी बोल रहे हैं बीट्स प्लानी बोल रहे okay. कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ ये जो मैंने मीडियम सैलरी लिखा है ठीक है सबका कंसर्न था कि सर ये मीडियम सैलरी किसका लिखा है आपने एमटेक वालों वालों का लिखा वालों का लिखा लिखा है है या बीटेक तो मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी मीडियम सैलरी मैंने लिखी है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स टू इयर्स एंड थ्री इयर्स को लेकर लिखी है जहां पे टू इयर्स लिखा हुआ है वो टू इयर्स के कोर्सेज के लिए जहां पर थ्री ईयर्स लिखा है थ्री ईयर्स के कोर्सेज के लिए इसमें मैंने बीटेक का प्लेसमेंट बिल्कुल भी काउंट नहीं किया है तो सीओपी के अदर देन मैं कुछ इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूँ और उसके प्रेफरेंस भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा हमें लेना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल आई टी हैदराबाद इसमें सर कौन कौन से ब्रांचेज होंगे तो मैं आपको बता दू की सी एस आई टी सी एंड दिस टाइम सिविल जितने भी सिविल वाले हैं ध्यान से सुन लीजिएगा मेरा कि इसमें अगर एडमिशन मेरा मिलता हो तो मैं कभी भी एडमिशन किसी भी कंडीशन में लेना चाहूंगा कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि सर सिविल इस टाइम स्टार्ट हुआ इसलिए नहीं लेंगे एडमिशन लेना है बहुत ही अच्छा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रिपल आई हैदराबाद में पढ़ने की तो डेफिनेटली वहां पर एडमिशन लीजिए मीडियम सैलरी ऑफर इज सिक्सटीन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नाइनटी सेवन परसेंट प्लेसमेंट है एक दो प्लेसमेंट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो प्लेसमेंट uh, लेना नहीं चाहते हैं प्लेसमेंट नहीं लेने का उनका अपना रीजन होता है वो इंटरप्रिन करना चाहते हैं वो करते हैं और वो प्लेसमेंट पे बिलीव नहीं रखते हैं Second, जो अपना ऑप्शन है नीटी मुंबई नीटी मुंबई का भी फॉर्म आएगा नीटी मुंबई का फॉर्म जिसको इंटरेस्ट हो वो नीटी मुंबई का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा उसके एडमिशन प्रोसेस पे आपको वर्क कर लेना नीटी मुंबई की एवरेज प्लेसमेंट uh, जो है परसेंटेज प्लेसमेंट जो है एट्टी परसेंट प्लेसमेंट है इसको प्रेफरेंस टू पे मैंने रखा है इसकी जो मीडियम सैलरी ऑफर है अबाउट फिफ्टीन लाख है uh, चॉइस आपको आई 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 एफ टी ट्रिपल आई टी बेंगलोर का भी रखना चाहिए एक दो से रिपीट करूंगा वही एडमिशन वही प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं जो इंटरप्रीनरशिप बनना चाहते हैं अब यहाँ पर थर्टीन लाख का एवरेज मीडियम सैलरी वहां पर गया ये थर्ड हमारा प्रेफरेंस रहेगा उसके बाद एक जो बहुत ही लोग अवॉइड कर देते हैं उसके बारे में बता दूं ट्रिपल आई टी न्यू दिल्ली इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है इसका फॉर्म निकलेगा इसके एडमिशन लेको फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए एंड ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड का मीडियम सैलरी ऑफर होता है और इसमें हाइयर सैलरी का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है जला जाता है तो आपको उसके ऊपर भी वर्क कर लेना चाहिए

कलिंगा uh, इंस्टीट्यूट में जाओ तो आप ले सकते हो क्योंकि वहाँ पर 71 है, 8 ,00 की बारे में थोड़ा अच्छा जानते होंगे uh, कौन सी रैंक पे क्या मिलेगा अंबुज इसके लिए हम सेपरेटली वर्क कर लेंगे आपके साथ ठीक है हर किसी को मैं बता दूंगा कि किसके ऊपर कैसे हम उन कॉलेज के ऊपर पहुंचे अनदर वन इज नरसिंह मुंजी नर्सिंग मुंजी भी आपके लिए एक ऑप्शन होंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे भी आपके लिए ऑप्शन होंगे ये हो गए कि मैं सर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसकी आपने बात कर ली कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या क्या प्रेफरेंसेज दे सकते हैं कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनआईटीज का च्वाइस सीसीएमटी तो सीसीएम टी भी एक काउंसलिंग प्रोसेस है और ये काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो एन सम ऑफ दी ट्रिपल आईटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सीसीएमटी का फॉर्म हमें फिलअप करना है तो इसमें जो प्रिफरेंस रखना है उन प्रेफरेंसेज की मैं बात कर लू तो जो भी कंप्यूटर uh, साइंस के स्टूडेंट्स uh, हैं उनको मैं पहले ही ये बता दूं कि हमारा फर्स्ट चॉइस होगा ट्रिपल आई अलाहाबाद हम ये चेक कर लेंगे कि कहीं कोई नया प्रोग्राम एड तो नहीं किया है जैसे ट्रिपल आई टी हैदराबाद ने अपना एक नया प्रोग्राम सिविल में एड किया है तो क्या इन्होने भी कुछ नया प्रोग्राम एड किया है अगर एड किया है तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लू अनदर चॉइस विल बी कलीकट कलीकट का भी हमें रखना चाहिए क्योंकि लैख एंड का मीडियम सैलरी ऑफ होता है तो यहाँ पर मैंने पूरा डेटा लिख रखा है आप वन बाई वन थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो मेरे रीड आउट करने से ज्यादा बेनिफिट से अच्छा है कि आप खुद से ही ऑब्जर्व कर लो और नोट डाउन कर लो कि मुझे किसको क्या रखना है देखो मैंने यहाँ पर सूरत के थ्री ईयर्स को मैंने प्रिफ्रेंस में फोर्थ में रखा है एंड टू ईयर्स के प्रोग्राम को उसको पहले रखा है उसका थोड़ा सा कारण यह है थ्री ईयर का प्लेसमेंट वहां पर ज्यादा अच्छा है टू ईयर के प्रोग्राम से ठीक है एन आई टी त्रिची एट्टी एट परसेंट प्लेसमेंट है एक कॉलेज है जो सिविल के अकॉर्डिंग अच्छा माना जाता है स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर विजयवाड़ा नाइन थ्री परसेंट प्लेसमेंट है थोड़े से packages कम मिलेंगे आपको अबाउट uh, uh, है median salary, but, uh, uh, इसमें higher packages बहुत ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि 93% थ्री परसेंट प्लेसमेंट होने ना आप वहां पर जाकर अगर थोड़ा भी मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका वहां पर प्लेसमेंट होगा सो so, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है एन uh, आई टी वरेंगल है श्रीनगर है अलाहाबाद है आ, ट्रिपल आई टी बड़ोदरा अभी थोड़ा सा हाइक हुआ है इसका प्लेसमेंट में फोर्टी परसेंट प्लेसमेंट है आ, अगर मैं एक दो साल पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्लेसमेंट काफी कम थे दस से पंद्रह परसेंट प्लेसमेंट ही था अब यहाँ पर प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर हुआ है तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है इन प्रेफरेंस ऑर्डर को आप ध्यान में रखते हुए ही अः सीसी में पार्टिसिपेट्स लेंगे और देखो कि कुछ लोग बोलते ना सर कि एन आई टी लो लेवल का लेना चाहिए या नहीं तो मैं उनको बता दू देखो एन आई दुर्गापुर है थ्री इयर्स का प्रोग्राम है सर ट्वेल्व परसेंट प्लेसमेंट है टू ईयर के प्रोग्राम के लिए एंड थ्री ईयर के प्रोग्राम के लिए थर्टी परसेंट प्लेसमेंट है एन आई टी सूरत ओके एन आई टी सूरत का आई थिंक मैंने इंक्लूड किया होगा इसमें नहीं इंक्लूड किया है तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा एन आई टी सूरत आई थिंक मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसमें मिस हो गया मेरे से तो आई विल इंक्लूड डेट वन ऑल्सो नहीं इंक्लूड है ओके okay, सॉरी इंक्लूड किया है मैंने मैंने उसको चॉइस एटीन पे रखा है

एन आई टी पटना एन आई टी मणिपुर ये सब है देखो प्लेसमेंट कितने हैं, देख लो। तो मुझे अगर इन सब में जाने से अच्छा है कि मैं वन का लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रि, करूं। कभी भी इन सब चीजों के झांसे में नहीं आने का कि मुझे एनआईटी मिल रहा है ये लो लेवल की एनआईटी और मैं एडमिशन ले लूँ नहीं लेने का इन सब एनआईटीज में किसी भी कंडीशन में इन आई आई इन एनआईटीज में एडमिशन नहीं लेने का ध्यान में रखिएगा तो कुछ चीजों में है कि जैसे कि जैसे ये चंडीगढ़, प्रोग्राम है सेवेंटी सिक्स परसेंट प्लेसमेंट है तीन लाख थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड का प्लेसमेंट देता है अगर आपको लगता है कि थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड अच्छा प्लेसमेंट है तो आप एडमिशन ले सकते हो मुझे तो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं लगता वो ओके डेफिनेटली so मैंने यहाँ पर लॉट्स की है और प्रोसेस भी बताया आपको के लिए ध्यान में रखना एनआईटी के लिए मुझे सेपरेट फॉर्म नहीं करना है CCMT के प्रोसेस में ही एनआईटी का आ जाएगा आ, COAP के लिए IT का फॉर्म मुझे सेपरेटली फिलअप करना होता है ठीक है एनआईटी जालंधर एनआईटी जालंधर इस लिस्ट में सब कुछ होंगे मेरे भाई देखो आप जो भी पूछ रहे हो ना सब सबके सब लिस्ट में यहाँ पर एनआईटी जालंधर का थर्टी फोर परसेंट प्लेसमेंट है टू ईयर के प्रोग्राम के लिए वहां पर सिर्फ टू ईयर का प्रोग्राम होता है थ्री ईयर का प्रोग्राम नहीं होता एवरेज प्लेसमेंट जो है फाइव लैक ,00 के अराउंड है और मैंने इसको ट्वेंटी वन का प्रेफरेंस दिया है तो सीसीएमटी का फॉर्म फिलअप करते समय इसके प्रोग्राम को मैं ट्वेंटी वन का प्रेफरेंस दूंगा उसके पहले नहीं दूंगा एनी मोर क्वेश्चन डी ए आई अगर आप डी आई आई की बात करो तो आपको इसमें वो लिस्ट दिखेगा डी आई आई का लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा कि देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है डी ए है ना गांधीनगर का uh, 81% प्लेसमेंट है और फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड एवरेज वहां पर मीडियम सैलरी ऑफर होती है मैंने 24 इसका प्रेफरेंस रख रखा है मेरे हिसाब से कुछ नहीं जो डेटा बोलेगा हम उसके ऊपर वर्क करेंगे इसलिए तो मैंने प्रेफरेंस बनाकर दे दिया अब इस प्रेफरेंस बनाने के बावजूद भी आपको लगता है आपके हिसाब क्या तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं एन आई टी सूरत एवरेज प्लेसमेंट वहां पर थर्टी नाइन परसेंट है थर्टी नाइन परसेंट प्लेसमेंट है एनआईटी सूरत फाइव लाख थर्टी थाउजेंड का एवरेज वहां पर मीडियम सैलरी जाता है रैंकिंग उसकी फिफ्टी वन है मौलिक हाँ एम एस के ऑफर में भी सीओ एपी में शो करेगा हाँ शो करेंगे ये जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है डेट इज फॉर ऑल ऑफ द ब्रांचेस ऑल ऑफ द ब्रांचेस किसी एक ब्रांच का नहीं है आप ये सोच रहे हो कि सर ये कंप्यूटर साइंस का है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल का नहीं मैं ये एवरेज प्लेसमेंट काउंट किया हूँ जो ऑल ब्रांचेस को इंक्लूड करके है बिट्स प्लानिंग इज अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ओके बिट्स प्लानिंग अगर मुझे मिल रहा होगा तो मैं बिट्स प्लानिंग को किसी भी कंडीशन में अवॉइड नहीं कर सकता बिट्स प्लानिंग से अच्छा अगर आपको आई आई बॉम्बे आई दिल्ली आई आई टी आई वगैरह मिल रहा है देन डेफिनेटली यू कैन गो विद वन बट ब्रिट्स प्लानिंग को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा IIT आई टी गांधीनगर और एन आई टी सूरत डेफिनेटली आई विल गो विध आई आई टी गांधीनगर एन आई टी सूरत में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है IIT में प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा है और IIT का टैक भी है. एस में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि एमएस में सिर्फ एक्स वाले ही एलिजिबल uh, होंगे हर कोई एलिजिबल होगा अब हर्ष की बात पे आ जाते हैं कि सर सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व मेरा गेट स्कोर है मुझे सिविल इंजीनियरिंग में क्या मिलेगा तो डेफिनेटली हर्ष मैं इस चीज को फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि आपकी आ, गेट स्कोर पे कौन सी आईआईटी मिलेगी इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रिडिक्टर बना रखा है और आपको ये चीजें बहुत पहले से बताई भी जा रही होगी कि प्रिडिक्टर पे जाकर अपना गेट मार्क्स डालकर गेट स्कोर चेक करो कौन सी कॉलेजेस मिल रही है वो भी चेक कर लो तो जो भी प्रिडिक्टर है प्रिडिक्टर इज नॉट फॉर एग्जी ठीक है एग्जी के लिए नहीं है के अलावा आपका कुछ मन तो होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में देखना है तो सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग आप रफ आइडिया लगा लीजिए एक्जी का मतलब होता है इंजीनियरिंग साइंस भाई वो एम एस के लिए भी है वहां पर डिसिप्लिन मैंने लिख रखा है ऐसा नहीं लिख रखा है कि एम एस का कोर्स है या एम टेक का कोर्स है आप गूगल पे सर्च कर लेना गूगल पे सर्च कर लेना आइस गेट इंस्टीट्यूट रैंक प्रिडिक्टर आइस गेट इंस्टीट्यूट रैंक प्रिडिक्टर सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा पी uh, में सीट कम है uh, अभी तक सारे पी एस अनाउंस भी नहीं हुए धीरे धीरे पी एस अनाउंस होंगे तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा कोई भी ऐसी चीज ना आ, ट्रिपल आईटी बैंगलोर या बिट्स प्लानिंग डेफिनेटली आई विल अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर की तरफ जाओगे बिट्स प्लानिंग की तरफ नहीं जाओगे अगर आपको एनआईटी सूरत में थोड़े से ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है सपोज स्ट्रक्चरल ना लेकर मुझे जियोटेक मिल रहा है तो मैं जियोटेक पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा लेकिन अगर मुझे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग क्लिनिकल इंजीनियरिंग ये सब कुछ मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना है वो भी मुझे पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ डी ए आई आई सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आई विल गो विद दिल्ली यूनिवर्सिटी डी टीयू में डी आई आई सिटी से अच्छा डी टी यू को मानूंगा इसी में स्कोर है ट्रिपल हाबाद मिल सकता है डेफिनेटली प्राप्ति आपको 603 के पे इस बार बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपको ट्रिपल आई टी अलाहाबाद मिलेगा हाँ फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी है ठीक है मैं ये भी फ्रेंकली बोल देता हूँ फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा सेकेंड राउंड थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में आपको जाकर मिलेगा कंप्यूटर के लिए टॉप आई कौन कौन से हैं तो कमल टॉप आई की अगर मैं बात करूँ तो आई बेंगलोर पे चले जाना आई बॉम्बे पे चले जाना इन सब पे चले जाना आ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद ट्रिपल आईटी बैंगलोर इन सब के ऊपर पे चले जाना ये कंप्यूटर साइंस के लिए काफी अच्छे हैं राज ओनली हंड्रेड प्रिडिक्टर पे जाइए प्रिडिक्टर पे आप अपना गेट स्कोर वगैरह ये सब डालिए वो आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अः अभी आई एम प्रिपेरिंग फॉर इसी आई एम कट ऑफ रैंक आर डिफरेंट बट ड्यूरिंग एडमिशन

सीओ एपी में रिफ्लेक्शन दिखेगा और उसमें आप अपना प्रेफरेंस दोगे कि ये मेरा फर्स्ट है ये मेरा सेकंड उसी तरीके से सीसीएमटी की जो प्रोसेस होती है उसमें सारे एनआईटी ट्रिपल आई कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस जो भी उससे लिंक्ड होंगे उन सबका लिस्ट उन सबका ब्रांच उनके सब इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज सब कुछ उसमें आपको मेंशन दिखेंगे और उसको देखने के बाद आप उसमें सिलेक्ट करोगे कि ये मुझे फर्स्ट रखना है या लास्ट रखना है ंगलोर फॉर मैकेनिकल एनआईटी मैंगलोर अभी तक मैंने नाम नहीं सुना है हाउ एवर मैं सर्च कर लूंगा कि एन आई टी मैंगलोर कब ओपन हुआ है एम ई और एम टेक में क्या डिफरेंस है देर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एमई एंड एम टेक जब आपने बीटेक किया होगा तो उस टाइम पे भी ये चीज सुना होगा की बीई एंड बीटेक में क्या डिफरेंस है there is a small difference between BE and BTEC just like ME and M.Tech. ME and M.Tech. mein main difference aapko samjha deta hu thoda sa technology and engineering word ka jo difference hai wo kahan had tak hame offer karta hai technology se learn karne ke liye तो जितने भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो नई टेक्नोलॉजी मुझे एमटे के कोर्स में एडोन्स होते चले जाते हैं एम जो कोर्सेज है उसमें ऐसा कोई एडोन्स नहीं होता है वो पुराने syllabus के according run होते ही रहते हैं सर सब सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भरना होगा क्या हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कैसे भरते हैं मेरे भाई अगर मैं आईआईटी uh, मद्रास का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो आईआईटी मद्रास में फॉर्म फिलअप करते समय आप कितनी सब्जेक्ट में वहां पर चॉइस रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसका फीस बढ़ता चला जाएगा आपने एक सब्जेक्ट में अप्लाई किया तो सपोज वहां टू फीस है दो सब्जेक्ट में अप्लाई किया फोर फीस हुआ थ्री सब्जेक्ट में अप्लाई किया वो आपका सिक्स हंड्रेड फीस हुआ आप एक ही फॉर्म में तीन सब्जेक्ट को अप्लाई करके सिक्स हंड्रेड का पेमेंट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो हाउ शुड बी लिंक आई आई टी रजिस्ट्रेशन विथ सीओ आपको लिंक नहीं करना है आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है प्रीत आपको आई का फॉर्म फिलअप करना है आपको सीओ का फॉर्म फिलअप करना है दोनों का फॉर्म फिलअप करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लिंक होगा उसमें आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है Uh, NIT में मिल मिल सकते हैं, score 584 है, आपको IIT भी सकती इसलिए मैं बोल रहा हूँ गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन सा अच्छा आपको प्रेफरेंस मिल रहा है सिविल के लिए टॉप आई आई टी कौन कौन सी है तो जो मैंने प्रेफरेंस देख रखा है दे रखा है आप लोगों को उस प्रेफरेंस पे जाओ मेरे भाई भौतिक मैंने वो प्रेफरेंस काफी सोच समझकर बनाया है वहां पर रैंकिंग भी देखी है मैंने एवरेज प्लेसमेंट भी देखा है ब्रांचेस भी देखे हैं कि क्या यहाँ पर सारे ब्रांच में अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सो प्रेफरेंस पे जाओ जो मैंने प्रेफरेंस बना रखा है उसके अलावा कुछ इधर उधर मत सोचो कि सिविल के लिए क्या है आपको एक दो स्टूडेंट मिल जाएंगे वो बोलेंगे सिविल में अच्छा हुआ था लास्ट ईयर अच्छा हुआ इस ईयर नहीं हुआ तो क्या करोगे सब्जेक्ट uh, के लिए अलग अलग फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर आई आई गॉट स्कोर इन इन कैन गेट बॉम्बे पूर्वांग एरो स्पेस मिल सकता है मैं इसमें मना नहीं करूंगा लेकिन आज के डेट में एरो स्पेस इंजीनियरिंग को थोड़ा सा अवॉइड लेकर चलना चाहे वो आई आई सी का हो या आई बॉम्बे का रीजन इसका सिंपल सा है कि अगर वहां पर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो दस स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि सर प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर सोच कर आए थे तो इस चीज को ध्यान में रखना की दस बीस में से दस स्टूडेंट ही वहां के प्लेसमेंट से खुश है एरोस्पेस में मेन तो डिसिप्लिन अगर आपको मिलता है मैकेनिकल के रिलेटेड तो उसमें जरूर जाइए पे आपको इंटरव्यू कॉल आईआईटी मद्रास से भी आएगा आईआईटी बॉम्बे से भी आएगा और आईएससी बेंगलोर से भी आएगा इंटरव्यू क्रैक करना आपका होगा ओके okay, प्राप्ति आई विल वर्क ऑन डेट प्रिडिक्ट कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा uh, क्वेश्चन किशन पूछ रहे मैकेनिकल में कितने रैंक तक पीएसयू मिल सकती है टॉप हंड्रेड रैंक I I, I in तो uh, ज्वाइन किया है तो आप वहां के प्लेसमेंट का वेट कीजिए अगर वहां से एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है देन वेरी गुड इल्स नेक्स्ट ईयर जब डेट का एग्जाम होगा तो आप उसके लिए प्रिपरेंस कीजिए प्रिपरेशन कीजिए

ठीक है अगर ट्रिपल आई टी बैंगलोर आई आई टी बॉम्बे मिल रहा होगा तो देन आई टी बॉम्बे आई आई सी बैंगलोर मिल रहा होगा तो आई आई सी बैंगलोर ट्रिपल आई टी हैदराबाद मिल रहा होगा तो ट्रिपल आई टी हैदराबाद ट्रिपल आई टी बैंगलोर गेट ऑफ कोर्स थर्टी इन सी एस विच इज गुड इंस्टीट्यूट ऑल टॉप फाइव जितने भी रैंकिंग मैंने प्रेफरेंस दे रखा रखा है उनके टॉप फाइव ले लीजिए सेवन थर्टी पे

और नॉन टी एमटेक नॉन टी होता है कि आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगा इट मींस 12400 का जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा उसका जो कट ऑफ जाता है वो थोड़ा लो जाता है एमटेक टी टी ए असिस्टेंटशिप टीचिंग असिस्टेंटशिप जो होता है 12400 वो आपको मिलेगा आपको आ, आपके जो वहां के एचओडी रहेंगे जो आपके डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे वो आपको कुछ वर्क अलॉट करेंगे कि आपको बीटेक में यहाँ पर कुछ लैब का वर्क संभालना है या वहां पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने हैं या फिर वहां पर आपको लेक्चर डिलीवर करना है या फिर यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करनी है इस टाइप के वर्क दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका टी ए या सिक्सटीन के अराउंड बनेगा एमटेक टेक आर क्या है एमटेक टेक आर रिसर्च वर्क होते हैं यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंटशिप बोलते हैं और अराउंड स्कॉलरशिप हाँ पर मिलता है चाहे वो एम टेक आर ए हो या एमएस रिसर्च हो एमएस रिसर्च एंड एम टेक आर ए ये दोनों इक्विवेलेंट है दोनों सेम ही चीजें होती है जस्ट वो इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा नाम चेंजिंग है टॉप थ्री एनआईटी

चांसेस हैं अह ईएस एनवायरमेंटल साइंस में 400 स्कोर आया है और एआईआर 1100 है आईआईटी के चांसेस हैं तो विनय लास्ट लास्ट मोमेंट तक फाइट आउट करते रहना कुछ आईआईटीज में चांसेस आपके रहेंगे चांसेस हैं दिस इज अबाउट 25% इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स फॉर पीएससीज ओके देवव्रत का कहना है कि सर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें पीएससीज के लिए तो सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि वहां पर डेफिनेटली हमारा ड्रेस कोड मैटर रखेगा ठीक है दूसरी चीज आपका अगर कोई भी फील्ड पे वर्क कर रखे हो जैसे कि आपने कहीं पर इंटर्नशिप किया है तो वो इंटर्नशिप पे जहाँ पे वर्क किया उसके पूरे इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट कर लेना

IIT कानपुर में इंटरडिसिप्लिनरी में चाहिए मना कर रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मेरे से कि एरोस्पेस पे जाना चाहिए या नहीं मैं मना कर रहा हूँ मैं, मैं तो नहीं कहूंगा भाई कि एरोस्पेस स्पेस पे जाइए अगर आपको कोर ब्रांचेज मिल रहे हैं तो कोर पे जाइए uh, कपिल का क्वेश्चन है कि सर सभी आई एप्लीकेशन फीस हैं नहीं सारे आई के एप्लीकेशन फीस नहीं है आप उनके वेबसाइट पे जाओगे जो एप्लीकेशन फीस ले रहा होगा उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन फीस नहीं ले रहा होगा उसको इग्नोर कीजिएगा आई आई खड़गपुर फॉर मेटेरियल साइंस एंड मेटल ब्रांच इज गुड आई हर्ड इन दिस ब्रांच प्लेसमेंट इज वेरी लेस आई आई टी हाँ तो मेटेरियल साइंस एंड वैसे खड़गपुर में थोड़ा ठीक है कम्पेरटिव टू अदर वन रोशन uh, अगर आप में अभी भी लग रहा है की थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हो तो ट्रिपल आई टी बैंगलोर का ट्रिपल आई टी हैदराबाद का फॉर्म आ चुका है उसको फिलअप कर लो थर्टींथ अप्रैल को उसका एग्जाम है तो जितने भी सिविल वाले स्टूडेंट एंड कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट जिनके आई के एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं और उनको अच्छा ऐसा लगता है कि एक महीने में वो बहुत अच्छा कर लेंगे या बीस दिन में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो ट्रिपल आई हैदराबाद का फॉर्म फिलअप कर लीजिए थर्मल यश पूर्वांग आप उस गेट स्कोर पे थर्मल के लिए प्रिफर कर सकते हो सिंह सर आई एम फ्रॉम गुजरात आई डिड नॉट गेट एनआईटी सूरत देन आई गो फॉर सूरत आउट ऑफ गुजरात बिलो एनआईटी सूरत मुझे नहीं जाना है अगर मुझे अगर आप कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहते हो तो फिर uh, भाई मैं तो इतना ही बोलूंगा जॉब करने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा घर तक घर में कब तक रहोगे आई एस सी एम एस ऑल्सो और आई आई टी बॉम्बे एम एस के लिए क्या करें विवेक विवेक फ्रॉम बिहार सर विवेक मेरा जो मैथमेटिक्स वाला ग्रुप है उसमें मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन पोस्ट किया हूँ मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने सेंड किया उस तो उसका पीडीएफ थोड़ा सा पढ़ लेना उसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आ, अनुज एसओपीसरी फॉर ऑल दी आई आई टीज सी एस आई टी गांधीनगर एन आई टी गोवा फिर से सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन फाइव नाइनटी पे कॉल आएगा आई आई टी से सिविल में हाँ कॉल आ जाएगा अभी से इवन आई विल से कि टॉप फाइव आई आई टीज में से दो तीन आई आई टीज से आपको कॉल आ जाएंगे इंटरव्यू क्रैक करना आपकी जिम्मेदारी होगी अः uh, आई आई टीज में विदाउट इंटरव्यू भी एडमिशन लेते हैं कि नहीं हाँ कुछ आई आई टीज जो हैं वो विदाउट एनी इंटरव्यू वो एडमिशन लेते हैं इस गेट स्कोर पे मैं यही आपको बोलूंगा आई आई सी बेंगलोर आई आई टी बॉम्बे ट्रिपल आई टी हैदराबाद ट्रिपल आई टी बेंगलोर ये चार चॉइस के अलावा मेरा कोई भी नहीं होना चाहिए सर रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या होगा आईआईटी आई टी का uh, अगर आईआईटी आई रिटर्न टेस्ट लेती है तो वो अपना सिलेबस भी बताएगी कि सिलेबस क्या है सो so, वहां पर ही मेंशन होगा मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि ये सिलेबस है उसका हाउ एवर देर सिलेबस विल बी बीवेल टू गेट सिलेबस किसी ने आस्किंग आईआईटी में एमटेक के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ता है yes, न, uh, कुछ आई कुछ टीज में एमटेक के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है गेट एसकोर इज फाइव नाइन एम एस ओल्ड आई आई टी पॉसिबल हाँ इंटरव्यू कॉल आएंगे सर कभी ऐसा हो सकता है कि गेट के बेस पे आई आई टी में एडमिशन मिले पर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म ना हो रिजेक्ट हो जाए हाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आई आई सी बैंगलोर आई आई टी बॉम्बे में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं इवन अगर आपका रैंक टॉप टेन में भी है तब पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा फोर सी एस बेस्ट कॉलेजेस सी एस के लिए मैं ऑलरेडी नाम ले रहा हूँ आपको आई आई सी बेंगलोर आई आई टी बॉम्बे ट्रिपल आई टी हैदराबाद ट्रिपल आई टी बैंगलोर सर सी एस में फोर फोर्टी सिक्स स्कोर सिक्स रैंक प्रिडिक्टर का यूज करेंगे आप उससे आपको आइडिया मिलेगा कौन सा कॉलेज अच्छा है रैंक प्रिडिक्टर डेफिनेटली आई आई टी आर आई वर्सेज ट्रिपल आई टी बेंगलोर ट्रिपल आई टी बेंगलोर

आई गांधीनगर मैकेनिकली के लिए कैसा है ठीक है नॉर्मल है बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे गांधीनगर और बिट्स प्लानी डेफिनेटली बिट्स प्लानी आई विल नॉट गो आईआईटी गांधीनगर। इफ यू आर कंपेयरिंग आई गांधीनगर एंड बिट्स प्लानी प्लानी गांधीनगर

एमटेक टेक आर ए में पर मंथ स्टिपेंड मिलता है हाँ मिलता है पर मंथ स्टिपेंड मिलता है और स्टिपेंड लेकर थर्टी टू थाउजेंड तक आर ए में वेरी वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो गए एन आई टी कोर और आई आई टी इंटर डिसिप्लिनरी इन इलेक्ट्रिकल तो कौन सी आई आई टी है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कौन सी इंटर डिसिप्लिनरी है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा तो कंपैरिजन करना है तो जो मैंने इसमें स्लाइड शेयर किया है उस स्लाइड के ऊपर आप प्रेफरेंसेस देखोगे तो आपको पता चलेगा आईटी uh, के इंटरव्यू के लिए टिप्स चाहिए डेफिनेटली आईटी uh, के इंटरव्यू के लिए जस्ट आप अपनी गेट सिलेबस के किसी तीन सब्जेक्ट को प्रेफर्ड कर लो और उसको अच्छे से पढ़ लो ऑल बेसिक कांसेप्ट टू लेकर ऑल स्मॉल कांसेप्ट तक जितने भी छोटे-छोटे बेसिक कांसेप्ट हैं उन सब डिटेल में पढ़ लो और वहां पर जाने के बाद वो आपसे फर्स्ट पूछेंगे इंट्रोडक्शन आपको अच्छा अपना एक इंट्रोडक्शन बनाकर रखना है कि मुझे क्या इंट्रोडक्शन देनी है अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है तो अपने इंट्रोडक्शन में उसको अचीवमेंट काउंट करवाइएगा उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा जैसे कि सपोज आपने 12 में आप स्टेट लेवल के टॉपर रहे हो तो आप बताओगे कि आई एम स्टेट टॉपर टॉपर ऑफ दिस वन लेकिन अगर हम की बात कर रहे हैं तो हम पोलाइटली करेंगे हम ऐसा शो नहीं करेंगे कि थोड़ा सा एग्रेशन हो कि मैं तो टॉपर हूँ भैया ये वाली चीज वहां पर शो नहीं होगी तो पोलाइटली बोले करेंगे कि सर आई हैव टॉप इन द स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन ऐसा या आप अपनी सपोज uh, कॉलेज के टॉपर हो तो आप वो भी बता सकते हो कि आई एम टॉपर ऑफ माई कॉलेज सब्जेक्ट आप uh, ले लो ना भाई तीन सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग uh, कर लो और उसके लिए प्रिपरेशन कर लो uh, गुरुराज uh, मैंने अपने मैथमेटिक्स वाले ग्रुप में मैंने डाल रखा है इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन आप उस इंटरव्यू के क्वेश्चन को पढ़िए सी एस सी में कौन सी आई आई टीज में मिल सकते हैं ये परिती सिक्स जीरो फोर इज अ गुड स्कोर फॉर आई आई टीज आपको आई आई टीज के कॉल्स आएंगे सो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिए मास्टर और पी एस यू तनवीज आस्किंग सर मास्टर करना है या पी एस यू मिल करना है अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप मास्टर कीजिए अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हो और आपको पी एस यू मिल रहा है तो आप पी एस यू पे जाइए महावीर रैंक प्रिडिक्टर महावीर बोल रहे हैं कि सर रैंक प्रिडिक्टर में मेरे 52 मार्क्स पे 540 स्कोर आ रहा है लेकिन एक्चुअल में मेरा 590 स्कोर है 40 का डिफरेंस आया है दैट इज ड्यू टू वो प्रिडिक्टर है दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वन आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सेइंग यू द एग्जैक्ट गेट स्कोर 540 एंड 590 में 40 गेट स्कोर का डिफरेंस है 1 एंड 2 मार्क का ऊपर नीचे हुआ वो डिफरेंस आएगा तो आप 52 मार्क्स की जगह पर आप 54 मार्क्स वहां पर इंटर करोगे तो वहां पर गेट स्कोर ऑटोमेटिकली जनरेट जो निकल कर आएगा वो 590 के अप्रोक्सिमेट में आएगा और उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेज दिखेंगे आप उस कॉलेज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व इन ओबीसी ओल्ड आई आई मिलेगा हाँ डेफिनेटली मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में सिक्स पे ओल्ड आई मिल जाएंगे पीडीएफ कहाँ पे शेयर करेंगे पीडीएफ में कल इवनिंग में शेयर करूंगा अभी पीडीएफ में शेयर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मुझे और भी इंफॉर्मेशन ऐड करने हैं उसके बाद में शेयर करूंगा PDF we will we will share on your uh, uh, WhatsApp groups also and Telegram groups also. हाँ Telegram और इस, WhatsApp group पे share करेंगे मैं evening के बाद share करूँगा. इस session की uh, information जहाँ से मिली थी वहाँ पे share कर देंगे sir. Uh, IT nah, तो स देना है की मैं आई आई टी बॉम्बे में स्ट्रक्चरल पहले रखू या आई आई टी कानपुर में ट्रांसपोर्टेशन आगे रखू तो वो आपको सीओ एपी के पोर्टल पे देना पड़ेगा uh,

so you can ask uh, anything by mail क्योंकि अगर कोई भी सवाल है आप लोगों को जो रह जाते हैं अभी तो यू कैन एड्रेस इट टू सर बाद में भी कोई सवाल आ जाता है मान लो uh, एक दिन दो दिन के बाद कोई hai आता है तो you can always do that आपके chat box में लिखा है sir ने it's सर uh, स्क्रीन uh, पे भी लिख देते हैं बिकॉज ये रिकॉर्डिंग बाद में काफी लोग बच्चे देखेंगे हाँ हाँ ठीक है सर सो मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी डी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ टी ई सी एच ये ई है आई ई डॉट के यू एन डी ए एन एल डी रेट जी मेल डॉट कॉम मेल पे डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा लेकिन किसी भी पर्सन के लिए ट्वेंटी मेल का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है सो so अगर कभी आपको अर्जेंट में कुछ भी जरूरत पड़े तो ये नंबर्स भी मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर व्हाट्सअप कर लेना नाइन सेवन थ्री सेवन वन सेवन सिक्स सेवन एंड सिक्स टू आप इसके ऊपर व्हाट्सअप करके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे जुबैद आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि सर एक ऐसा भी सेशन रखिए जो इस Uh, इस बार कामयाब नहीं हुए हैं डेफिनेटली विल विल कीप कीप सेशन, आपका सजेशन इन माइंड कि जो लोग इस साल अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम सेपरेट सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे करण ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल डेफिनेटली नहीं होता है कि एनआईटी सूरत में थर्मल में कितना प्लेसमेंट है ठीक है ये जो हमने प्लेसमेंट का सिनारियो निकाल कर रखा है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स से एन एन आई आर एफ के जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एवरेज प्लेसमेंट निकाल कर रखा है आप अगर ऐसी बात करोगे कि सूरत में थर्मल में थर्मल कितने प्लेसमेंट है तो आप वहां के किसी थर्मल के स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट कीजिए वो आपको डेफिनेटली बता पाएंगे कि थर्मल में कितना प्लेसमेंट है और ईच एंड एवरी ईयर सेम प्लेसमेंट नहीं होता थोड़ा थोड़ा वेरी करता है आई आई टी बॉम्बे का एम एस का फॉर्म कब तक आएगा

अह कोंदन सर सो एस सून एज ही गेट सम इंफॉर्मेशन और आई गेट सम इंफॉर्मेशन आई विल पास ऑन ऑन दैट ग्रुप ठीक है मेक श्योर दैट टेलीग्राम पे एक्टिवला है ठीक है या एनी वी कैन टेक वन और टू क्वेश्चंस अगर हैं तो अदरवाइज क्वेश्चंस हैं तो मैं वो क्वेश्चंस ले लेता हूं आ सर रियलिटी सूरत अह लीज प्लेसमेंट देन एलडी सो येट शुड आई गो फॉर एनआईटी विदाउट गारंटी ऑफ प्लेसमेंट अह जैक कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेता है चाहे वो एलडी हो या एनआईटी हो या आई हो तो आपको वहां पर जाकर मेहनत करना पड़ेगा और जो मेहनत करते हैं वो सक्सेस होते हैं अनुज अनुज सिंह का कट ऑफ सेवन फिफ्टी है आई बॉम्बे का ये आपको शायद किसी ने मूर्ख बनाने की बात की है ऐसा कुछ नहीं है कट uh, ऑफ क्या होता है ईच एंड एवरी ईयर कट ऑफ गेट चेंज ठीक है सो so, वहां पर बहुत सारे डिसिप्लिन हैं तो उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे और आप उसका फॉर्म फिलअप कीजिए इंटरव्यू क्रैक कीजिए डेफिनेटली आपको मिलेगा चांसेस विदोर एट सेवन टू तो एट सेवेंटी टू इज अ वेरी गुड गेट स्कोर कमल और इस गेट स्कोर पे आई एस सी मिलने के चांसेस आई आई सी बेंगलोर देखो मैं सिंपली बता दू ना कि मैंने उन स्टूडेंट्स को भी आई आई सी बेंगलोर और आई आई टी बॉम्बे का इंटरव्यू तक लेके गया हूँ जिनके गेट स्कोर सिक्स हंड्रेड के अबाउट है इन जिनका गेट स्कोर 600 के अबाउट है वो भी आईएससी बेंगलोर एंड आईआईटी बॉम्बे इनका इंटरव्यू अटेंड किए हैं बट उनमें से कुछ लोग ही ऐसे निकले जो वहां का इंटरव्यू क्रैक कर पाए तो जब इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे तो आपको एडमिशन मिलेगा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा एनआईटी सूरत और आईआईटी गांधीनगर मैंने ऑलरेडी बोला आईआईटी गांधीनगर ठीक है आज का सेशन मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूं जो भी आपके कंसर्न्स रहेंगे वो आप मुझे मेल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना और मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने पीएसयूज पे कोई भी टॉक इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी तक पूरे पीएसयूज के लिस्ट अच्छी तरीके से निकल कर नहीं आए हैं जैसे ही दो तीन पी का लिस्ट आ जाएगा आई विल वर्क ऑन डेट वन की कौन सी पीएस कब आने वाली है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन का क्या गाइडेंस रहेगा अगर सारे पीएसयूज अपना सेपरेट एग्जाम लेंगे तो उनका एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहेगा कोई गेट स्कोर पे ले रहा है या नहीं ले रहा है हम उनके लिए सेपरेटली पीएससी के लिए आपको फिर से इंटरव्यू गाइडेंस दे रहे होंगे सो so, पी के लिए आप वेट कर लेना एक दो दिनों का हम लोग उसके ऊपर फिर से आ, मिलेंगे सो थैंक यू एवरी वन थैंक यू रोहन सर फॉर ज्वाइनिंग